हे यंगस्टर्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल एमर्स क्लब। आप सभी के साथ हम जुड़े हैं आज की इस वीडियो सीरीज़ में लेकर के बिहार बोर्ड के लेसन नंबर 3, जो कि इंग्लिश का आपका चैप्टर है और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, जिसका नाम बनता है पिंच ऑफ स्नप। जी हाँ दोस्तों, जो भी आप इस वीडियो को खोले हो, अब पूरी वीडियो को अंत तक जरूर देखो। और मैं आप सभी के साथ इस पूरी वीडियो सीरीज़ में अप्रॉक्स 50 क्वेश्चंस करने वाला हूँ, जो कि आप देख लोगे तो आप एक भी क्वेश्चन भूलोगे नहीं, 100% बिल्कुल, ये मैं गारंटी देता हूँ। आप ही एक ऐसे नहीं हो, इससे पीछे भी करीब 800 स्टूडेंट ऐसे होंगे जो अभी भी आप सभी के साथ 2021-22 के जिनका सेशन था उसमें भी उन्होंने एग्ज़ाम दिया और बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स से पास आउट हुए हैं। तो चलिए गाइस, मैं आप सभी को भी कहता हूँ, आप सभी मेरे साथ आप अपने पूरे वर्ष भर में, पूरे साल भर में मात्र 50 घंटा का वीडियो देखो मेरे साथ। मैं उसमें आपको कहता हूं, मैं आपके एग्जाम में 90+ दिलवाऊंगा, 90+, 90 से तो नीचे मैं बात ही नहीं करता हूं, बिल्कुल नहीं। तो चलिए गाइस, ज़्यादा हम लोग टाइम ना वेस्ट करते हुए आते हैं। किसी को भी कोई तरह का डाउट हो तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो। ओके गाइस, देख रहे होगे नीचे में आपको व्हाट्सअप नंबर भी दिख रहा होगा। चलिए हम लोग लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। अ पिंच ऑफ स्नफ इज रिटेन बाय, बिल्कुल बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है अ पिंच ऑफ स्नफ, जिसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इसे लिखे किसने। तो आप सभी के पास ऑप्शंस हाईलाइट हो पा रहे होंगे, मनोहर मलगांवकर, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे महात्मा गांधी, ये जो हैं लिखे हैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी का नाम माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ बनता है। डॉक्टर जाकिर हुसैन द्वारा जो लिखी गई है वह भारत इज़ माई होम। डॉक्टर जाकिर हुसैन इंडिया के प्रेसिडेंट बने थे 1869 में। डॉक्टर जाकिर हुसैन जी का जन्म कब हुआ था, मैंने आपको क्या कहा, डॉक्टर जाकिर हुसैन जी का जन्म, मृत्यु और उनके बारे में आप कुछ और बातें याद रखेंगे। डॉक्टर जाकिर हुसैन जी का जन्म 1897 में होता है, इनकी मृत्यु 1969 में होती है। इनका जन्म 1897-1969 में इनकी मृत्यु होती है और दो साल पहले जो है ये प्रेसिडेंट बने थे इंडिया के। और इससे पहले वह भारत के प्रेसिडेंट से बनने से पहले वह बिहार के गवर्नर के रूप में भी उन्होंने सेवा किया था। चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हम लोग हर एक क्वेश्चन में इसी तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस को भी देखेंगे। द नैरेटर पुट ऑन डैश बिफोर गोइंग टू डैश द वेलफेयर मिनिस्टर्स हाउस, जो नैरेटर रहते, नैरेटर मतलब कौन, मनोहर मलगांवकर, लेखक की बात किया जा रहा है यहाँ पे। जो मनोहर मलगांवकर है वह क्या डालते हैं अपने ऊपर, कहाँ जाने से पहले, वेलफेयर मिनिस्टर के घर जाने से पहले। तो नैरेटर जो है एक जोधपुरी कोट डालते हैं और नानू काका उन्हें जोधपुरी कोट डाल के ले जाते हैं। द नैरेटर ऑफ द स्टोरी अ पिंच ऑफ स्नफ इज नानू काकाज, जो नैरेटर लेखक जो हैं, लेखक अ पिंच ऑफ स्नफ के जो लेखक हैं वो नानू काका के कौन है। तो अ पिंच ऑफ स्नफ के जो लेखक हैं वो नानू काका के नेफ्यू बनते हैं। नानू काका नैरेटर के, इट मीन्स मनोहर मलगांवकर के मामा जी रहते हैं और नानू काका का जो मनोहर मलगांवकर है वह उनका ये नेफ्यू बन जाता है। ठीक है, ये थोड़ी सी रिलेशन अब जरूर ध्यान रखना, कंफ्यूज मत कर जाना। देयर वॉज ए डैश इन द बास्केट डैट नानू काका हैंडेड एट द प्लेटफॉर्म, यहाँ पे हैंडेड एट द प्लेटफॉर्म होना चाहिए, ये भी चीज़ ध्यान रखेंगे, आपसे ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। नानू काका हैंडेड अ बास्केट एट वेयर, कहाँ पे उन्होंने बास्केट उन्होंने हैंड ओवर किया, तो एट प्लेटफॉर्म पे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि नानू काका हैंडेड अ बास्केट एट प्लेटफॉर्म टू डैश, नानू काका ने एक प्लेटफॉर्म पे, नानू काका ने प्लेटफॉर्म पे एक बास्केट सौंपा, किसको सौंपा, तो आप याद रखेंगे मनोहर मलगांवकर या नैरेटर। अच्छा, तो उस बास्केट में होती क्या चीज़ है, तो उस बास्केट में जो है एक कीटन रहती है, किसके कहने पे कीटन लाए थे, तो वह मनोहर मलगांवकर की मम्मी के कहने पर, अर्थात मैं कहूँ तो नैरेटर की, सॉरी, ये नानू काका की बहन ने उनसे डिमांड किया था कि आप मेरे लिए आते वक्त जो है एक बिल्ली का बच्चा लेते आइएगा, कीटन लेते आइएगा। द नैरेटर इन द स्टोरी अ पिंच ऑफ स्नफ बिलीव डैट मिनिस्टर्स वर डैश, जो लेखक हैं अ पिंच ऑफ स्नफ के, इट मीन्स कौन, मनोहर मलगांवकर, वह ऐसा मानते हैं कि जो मंत्री लोग होते हैं वह क्या होते हैं, तो वो होते हैं टू स्टेप्स हायर दैन गॉड, मतलब भगवान से भी दो कदम ऊपर, मतलब आप भगवान की पूजा करोगे तो भगवान मिल जाएंगे, लेकिन मंत्री को कम से कम उनका 4 गुना ज़्यादा आप पूजा करो तब मिलेंगे, क्योंकि उनसे एक स्टेप हायर तो उनके सेक्रेटरी होते, ये भी ध्यान रखेंगे। अगर
एक स्टेप हायर की बात करेंगे, एक सीढ़ी ऊपर, तो उनकी सेक्रेटरी, इनकी सेक्रेटरी मिनिस्टर्स की सेक्रेटरी होते हैं, और दो स्टेप्स ऊपर कौन होते हैं, खुद भगवान से भी दो कदम ऊपर दो सीढ़ी ऊपर मंत्री लोग अपने आप को मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, नानू काका ड्राफ्ट डैश राउंड ही सोल्जर्स। नानू काका ड्राफ्ट का मतलब होता है लपेटना। नानू काका लपेटते थे क्या अपने कंधों के चारों ओर, तो नानू काका लपेटते थे अ वाइट अंगोछा, एक उजली गमछा को लपेटा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, नानू काका वॉर अ डैश, नानू काका क्या पहना करते थे, तो नानू काका जो है पहना करते थे दो चीज़ें, एक तो वह नी लेंथ ब्लैक कोट, मतलब कि घुटनों तक की लंबी काले कलर की कोट, और दूसरा रेड सिल्क पगड़ी, मतलब ये दोनों चीजों पहना करते थे। इसीलिए हमारा राइट ऑप्शन बोथ बी एंड सी बन जाएगा। आई होप गाइस आपको समझ आ रहा होगा। द नरेटर इन द स्टोरी अ पिंच ऑफ स्नफ वॉज डैश, जो लेखक रहते हैं मनोहर मलगांवकर, वह अ पिंच ऑफ स्नफ में, मतलब देखो यहाँ पे दिया हो ना, अ पिंच ऑफ स्नफ के जो लेखक हैं वो क्या रहते हैं, तो वो एक अंडर सेक्रेटरी रहते हैं, वो भी क्या चीज़ पे रहते हैं, तो वो एक प्रोबेशन पे रहते हैं। प्रोबेशन कहने का मतलब उनकी अभी ट्रेनिंग ही चल रही थी, वह पूरी रूप से उनके पास पावर नहीं मिली थी। तो नरेटर कहे या मनोहर मलगांवकर कहे, तो दोनों में आप ये ध्यान रखेंगे कि वह एक अंडर सेक्रेटरी रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, अच्छा इन अ पिंच ऑफ स्नफ हजरत बरकत अली वॉज डैश, इन अ पिंच ऑफ स्नफ कहने का मतलब अ पिंच ऑफ स्नफ कहानी में हजरत बरकत अली नामक एक शख्सियत का यहाँ पे जिक्र किया जाता है, वह व्यक्ति कौन होते हैं, तो वह व्यक्ति एक अम्बेसडर रहते हैं, एक राजदूत रहते हैं, जो दूसरे देश में सेवा देते हैं। द नरेटर्स मदर वॉज डैश टू हर साइड ऑफ द फैमिली, जो नरेटर की मम्मी है, मतलब लेखक की मम्मी मनोहर मलगांवकर की जो मम्मी है, वह अपने परिवार कहने का मतलब अपने मायके के प्रति डैश रहती है, तो अपने परिवार अपने मायके के प्रति बहुत ही लॉयल रहती है, मतलब अपने मायके के प्रति वो एक शब्द नहीं सुनना पसंद करेगी, बहुत ही निष्ठावान है अपने मायके को लेकर के, मतलब उनकी बड़ाई करने में बहुत ही आगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, एट द प्लेटफॉर्म नानू काका हैंडेड द नरेटर डैश, प्लेटफॉर्म पे नानू काका ने क्या सौंपा लेखक को, तो लेखक को सौंपा उन्होंने एक बास्केट सौंपा, ये चीज़ पे ध्यान देंगे, ऑप्शंस काफ़ी कंफ्यूजिंग है यहाँ पे, वह टोकरी सौंपते ना कि बैग, बकेट का मतलब था बाल्टी, और सूटकेस मतलब तो समझ ही रहोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, नानू काका रॉट ए चेक फॉर, नानू काका जब आपको याद आना, मतलब आप अगर स्टोरी पढ़ोगे तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े तो मैं आपको बताता हूँ ये कहानी में क्या होता है। नानू काका को मिलना रहता है किनसे, एक वेलफेयर मिनिस्टर से। अब जब मंत्री से अब मिलने के लिए साइकिल से जाओगे तो क्या कोई मंत्री का पी आपको मिलने देगा, कभी नहीं मिलने देगा। सेम थिंग नानू काका को भी ये चीज़ समझ में आ गया कि नहीं, मुझे मंत्री से अगर मिलना है तो मुझे एक बड़ी सी कार चाहिए, और मनोहर मलगांवकर के पास जो कार थी वह काफ़ी हद तक छोटी थी। इसी वजह से उन्होंने क्या कहा मनोहर को, बेटा मनोहर तुम एक काम करो, एक कार का अरेंजमेंट करो। अब कार का अरेंजमेंट करो, मनोहर तो सोचे चलो मैं तो कार का अरेंजमेंट मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं आपको बताता हूं मेरा एक दोस्त है जो कि कार बेचना चाहता है, और वह कार जो है ना वो लगा रखा है। कहाँ पे लगा रखा है, जस्ट लाइक आपने भी अगर अपने इलाकों में देखा होगा कि पुरानी कारों की सेल होती है उसी जगह पे, और उस डीलर का जो नाम रहता है, उस डीलर का नाम रहता है सिक्का ऑटो डीलर। ये याद रखेंगे, ये सिक्का ऑटो डीलर रहता है जिसके पास वह बहुत सारे पुराने कार रहते हैं। अब आप जाओगे वहाँ पर कार लेने के लिए, और मनोहर मलगांवकर के मामा जी इट मीन्स नानू काका को कार कितने दिनों के लिए आवश्यकता थी, मतलब कितने घंटों के लिए, तो कुछ पलों के लिए आवश्यकता थी उनकी। अब उसके लिए वो कार तो खरीदेंगे नहीं, इसीलिए उन्होंने एक प्लान किया कि उन्होंने क्या किया, एक धोबी को बुलवाया, और धोबी को क्या कहा, धोबी को बुलवा करके और उन्होंने अपना कोट दिया, और कोट में क्या कर दिया, वह उन्होंने 1,000 रुपये का एक चेक लिख करके उसमें रख दिया, और धोबी को क्या किया उन्होंने बाहर ले गया, कान में ले जा बाहर ले गया, और बाहर ले जाते हुए उसके कान में कहते हैं बेटा धोबी तो सुन एक बात, देखो उन्होंने ऐसा ही बोला ही है यहाँ पे, धोबी को वाशरमैन नहीं उन्होंने कहा, धोबी को उन्होंने धोबी कहा, इसी वजह से मैं भी धोबी कह रहा हूं। उन्होंने कहा तुम एक काम करना, तुम देखो मैं तुम्हें ये कोट दे रहा हूं धोने के लिए,
तुम एक काम करो, मैं अभी इस फलाने सिक्के ऑटो डीलर के पास में जा रहा हूँ, और तुम क्या करना, मैं जैसे ही वहाँ पर पहुँचूँ, मैं देखो अभी 10:30 बज रहा है, मैं 11:15 बजे तक पहुँच जाऊँगा। ऐसा उन्होंने नहीं कहा, ऐसा मैं बता रहा हूँ, तुम भी एग्जैक्ट 11:15 तक वहाँ पर पहुँच जाना, और वह भी दौड़ते दौड़ते। इस तरह से उन्होंने पूरा प्लान उसे समझा दिया। और ऐसा क्यों, ताकि तुम वहाँ पर पहुँचना और कहना कि देखिए मालिक आपका जो है, क्या आप जो कोर्ट दियो सुबह सुबह उसमें 1000 का चेक रह गया है। और तब इस तरह से क्या होगा, वो जो सिक्का ऑटो डीलर के जो मालिक है वो समझेंगे, और ये तो बहुत रईस खानदान से बिलोंग करते हैं, और ये डिमांड करेंगे, क्या चीज़ का डिमांड करेंगे, कि मुझे कुछ देर के लिए ट्रायल पर ये गाड़ी दे दो। और जैसे वो ट्रायल पर गाड़ी दे देगा, इनका तो काम भी बन जाएगा, ये जाएंगे अपने मंत्री से मिल के आएंगे और वापस उन्हें गाड़ी भी कर देंगे। तो यही पूरी कहानी वहाँ पर रहती है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। नानू काका हैज़ अ यूनिक क्वालिटी ऑफ टेलिंग। नानू काका के पास एक बहुत ही अनोखा सा एक गुण था, जो क्या था, क्या चीज़, बोलने का गुण था। तो उन्हें झूठ बोलने का एक बहुत ही अनोखा सा गुण रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, डैश इज़ अ ह्यूमरस स्टोरी। ऐसे कौन सा कहानी है जो काफ़ी हास्यप्रद है, बहुत ही मज़ेदार है। तो और वो कोई नहीं, हमारी अ पिंच ऑफ स्नफ है। आप ये वर्ड ध्यान रखेंगे, अ ह्यूमरस स्टोरी, अ पिंच ऑफ स्नफ इज़ अ ह्यूमरस स्टोरी। मनोहर मलगांवकर इज एन डैश राइटर। मनोहर मलगांवकर कैसे लेखक रहते हैं, तो वह एक इंडो एंग्लियन राइटर रहते, जिनका जन्म भले इंडिया में हुआ लेकिन किसी अमेरिकन कंट्रीज में जाकर के सेटल्ड हैं। नानू काका हैज़ टू मीट अ मिनिस्टर इन द डैश ब्लॉक। नानू काका को जो पहली बार जो मंत्री से जब वो वापस वहाँ से आते, मतलब कि अपने घर से आते, इनका घर कहाँ रहता है, महाराष्ट्र में रहता है। महाराष्ट्र मतलब स्टेट से ये बिलोंग करते हैं, क्योंकि इनकी जो लैंग्वेज रहती है वह मराठी रहती है। तो जब वो वहाँ से आते हैं, तो ये आते ही घर पर वो मनोहर को कहते, बेटा मनोहर थोड़ा तैयार हो और चलो मुझे ले करके। और ये जाते हैं एक ब्लॉक पे, और वह ब्लॉक कौन सी होती है, वह ब्लॉक होती है नॉर्थ ब्लॉक, ये ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, मनोहर मलगांवकर्स मदर एश्योर्ड हिम। मनोहर मलगांवकर की मम्मी, इट मींस कौन, नानू काका की बहन, ये आश्वासन देती है। किसको देती है आश्वासन, मनोहर मलगांवकर को, डैड की, डैड शुड मैनेज एवरीथिंग, की कौन हर एक चीज को मैनेज कर लेगा अपने तरीके से। मतलब मम्मी को अपने भाई पे पूरा विश्वास कि बेटा तुम मत चिंता करो। अब जब आप ये कहानी पढ़े होगे तो आपको ये भी पता होगा कि जब नानू काका आ रहे होते हैं, तो मम्मी क्या करती है, मनोहर सुबह सुबह सोए रहते हैं, मम्मी आती और जोर जोर से हिलाते हुए कहती, बेटा मनोहर उठ जा, क्यों, अरे तेरे मामा जी आ रहे नानू काका। मनोहर को ऐसा सुनते ही लगता है बहुत जोर की उन्हें झटका लगती हो, जैसे 440 वोल्ट की, वह तो नीचे गिरते नहीं है, बट हाँ लगता है कि गिर जाएंगे। अचानक से फिर वह कहते हैं कि मम्मी आप ऐसा कह दो कि मेरा ट्रांसफ़र हो गया, मैं, हम लोग यहाँ पे दिल्ली में नहीं है। मम्मी कहती, बेटा वो अभी ट्रेन में नहीं है, ट्रेन से उतरने वाले, तुम्हें लाने के लिए उन्हें जाना है। अभी बेचारी ये मन में सोचते हुए भी इन्हें वापस वो क्या कहता प्लेटफॉर्म पे, इट मीन्स स्टेशन पे जाना पड़ता है मामा जी को लाने के लिए। जब वो जा रहे होते तो मम्मी उसे आश्वासन देती, बेटा तुम मत इतना घबरा। अब मनोहर को लगता है कि आप आएंगे तो सबसे परेशानी तो मुझे ही करेंगे, क्योंकि मैं ही घर में बड़ा हूँ, मुझे परेशान करके छोड़ेंगे। तो मम्मी आश्वासन देती, बेटा तुम मत परेशान हो, मेरा भाई है ना, वो हर एक चीज़ मैनेज कर लेगा, इसके लिए तुम्हें नहीं परेशान होना है। देर इज़ नथिंग लाइक ऑनेस्टी वॉज सेड बाय। ये लाइन कौन कहता है कि ईमानदारी से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है। और अक्सर आप देखोगे ये सारी लाइनें वही कहता है जो सबसे बड़ा बेईमान हो, ऐसा लाइन वही कहेगा। और जो कोई कही जो ऐसा कहता है ना कि हमेशा सच बोलो, सच से सच ये पाप, झूठ बोलने से पाप आता है, ये लाइन वही कहता है जो हमेशा झूठ बोलता हो। तो वही चीज़ है यहाँ पे, ऐसी लाइन कौन कहता है, और जिसके अंदर थोड़ी भी ईमानदारी ना वही कहता हो। और वह कौन रहते हैं, मनोहर मलगांवकर के मामा जी, इट मीन्स नानू काका यहाँ पे हमारे राइट आंसर बन जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, नानू काका वॉज टू स्टे फॉर डैश डेज। नानू काका कितने दिनों के लिए ठहरने के लिए आए थे, नानू काका ज़्यादा दिनों नहीं, मात्र 2 or 3 days के लिए। वह कहते, बेटा मनोहर तू परेशान मत, तो मैं तुम्हारे यहाँ 2 से 3 दिन ही रहूँगा। नानू काका वॉज कमिंग टू दिल्ली टू। नानू काका दिल्ली क्यों आ रहे थे, ताकि वह कुछ मंत्री से मिल सके, टू सी सम मिनिस्टर। सी का मतलब देखना मत समझना, सी यू बोलते हो ना आप लोग कभी कभी, बोलते हो ना सी यू लेटर, मतलब बाद में फिर मिलते हैं, सी यू सुन जल्दी ही मिलते हैं, तो वही होता है सी सम मिनिस्टर, मतलब कुछ मंत्रियों से मिलने के लिए आते हैं।
अ पिंच ऑफ स्नफ इज रिटन बाय अ पिंच ऑफ स्नफ किसके द्वारा लिखी गई है? तो अ पिंच ऑफ स्नफ लिखी गई है मनोहर मलगांवकर जी के द्वारा। नानू काका मैनेज टू ट्रैवल इन सेकेंड क्लास ऑन टिकट ऑफ। नानू काका ने मैनेज किया, क्या मैनेज किया? यात्रा करना सेकेंड क्लास में, कौन से क्लास की टिकट पे? तो वह थर्ड क्लास के टिकट पे सेकेंड क्लास में वह यात्रा करना उनके लिए बहुत ही आसानी सी बात थी, क्योंकि बात था वह बहुत ऊंचा ऊंचा फेंकते थे जिसकी वजह से वह कहीं भी चले जाते थे आते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, नानू काका इन अ लिंग्विस्टिक एमरजेंसी ऑलवेज टू इज। जब भी नानू काका बोलते बोलते बहुत ज़्यादा घबरा जाते या अचानक उन्हें बहुत ज़्यादा बोलना पड़ जाता तो वह कौन सी भाषा में बोलना शुरू करते थे? तो वह अपनी मदर टंग, इट मीन्स अपनी मातृभाषा। और उनकी मातृभाषा कौन सी थी? तो वो भी याद रखेंगे, उनकी मातृभाषा जो थी वह मराठी थी। हो सकता है ऑप्शन में मदर टंग ना देके मराठी भी दिया जा सकेगा। डैश वेंट टू द मिनिस्टर इन जोधपुरी कोट। कौन ऐसे व्यक्ति थे जो कि मंत्री से मिलने के लिए जोधपुरी कोट पहन के गए थे? वह कोई और व्यक्ति नहीं, मनोहर मलगांवकर को ही जोधपुरी कोट पहना के ले गए थे। नानू काका मनोहर मलगांवकर को ले गए थे जोधपुरी कोट पहना करके। नानू काका हैंडेड ओवर चेक ऑफ 1000 rupees टू ए। नानू काका ने सौंपा, क्या सौंपा? 1000 rupees का चेक किसे सौंपा? धोबी को। मैंने आपको पूरा कहानी बताया ना क्यों दिया था वो धोबी को ऐसा। नानू काका वॉज वेरी डैश मैन। नानू काका एक ऐसे व्यक्ति थे, फुल मतलब मूर्ख, स्टूपिड, बेवकूफ, ऑनेस्ट, ईमानदार या क्लेवर, वह बहुत ही चालाक प्राणी में से एक थे। नानू काका सौफर वॉज। नानू काका का सौफर ड्राइवर कौन रहता है? तो नानू काका का ड्राइवर जो रहता है कोई और नहीं, उन्हीं का नेफ्यू, इट मीन्स मनोहर मलगांवकर ही उनका सौफर रहता है। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, द सेकेंड इंपोर्टेंट पर्सन नानू काका हैड प्लान टू मीट वास। जो दूसरा व्यक्ति, पहला व्यक्ति कौन था? तो पहला व्यक्ति याद रखेंगे सोहनलाल रतिराम। सोहनलाल कौन रहता है ये भी चीज ध्यान में रखेंगे। सोहनलाल जो रहता है वह दिल्ली का पार्टी बॉस रहता है। दिल्ली का क्या रहता है? वह पार्टी बॉस रहता है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। अच्छा, रतिराम कौन रहता है? तो रतिराम जो रहता है वह बेटा रहता है। किसका बेटा रहता है? सोहनलाल का। और सोहनलाल पहला व्यक्ति था जिससे कि नानू काका को मिलना था। दूसरा व्यक्ति कौन था जिससे नानू काका को मिलना था? वह और कोई नहीं, द वेलफेयर मिनिस्टर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, नानू काका हैड टाइड अ ह्यूज डैश टर्बन राउंड हिज हेड। नानू काका ने जोधपुरी कोट तो पहना दिया मनोहर मलगांवकर को, और उसके साथ उन्होंने उसके ऊपर एक पगड़ी बांधी। किस कलर की? तो वह नारंगी कलर की पगड़ी थी। नानू काका पोर्ट्रेड हिमसेल्फ एज द हेरिडिटरी एस्ट्रोलॉजर ऑफ द महाराजा ऑफ डैश। नानू काका ने अपने आप को बखाना, कैसे बखाना? कि मैं वंशानुगत, मैं बहुत बड़ा दार्शनिक, मैं एक बहुत बड़ा पंडित हूँ। किस महाराज के? तो मैं किस महाराज का बड़ा पंडित हूँ? तो निन्नौर के महाराज का मैं बहुत बड़ा पंडित हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, अ पिंच ऑफ स्नफ इज अ डैश। अ पिंच ऑफ स्नफ पे क्या है? एक शॉर्ट स्टोरी रहती है। क्वेश्चन नंबर 31, डैश ओपेंड हिज स्नफ बॉक्स एंड हैड ए पिंच ऑफ इट। कौन बार बार अपना इस तरह का चिमटा खोलता और उसमें से वह एक चुटकी सूंघता था, जिसे हम कहें तो एक नशीली पदार्थ को सूंघा करता था? वह और कोई नहीं, ऐसे मनोहर के लक्षण नहीं थे, ये हमारे बुजुर्ग नानू काका जी का लक्षण था। नानू काका वॉज द डैश ऑफ मनोहर मलगांवकर मदर। नानू काका मनोहर मलगांवकर के मम्मी के कौन थे? तो मनोहर मलगांवकर के मम्मी के भाई थे, चहीते वाले। नानू काका गेव द डैश 2 rupees नोट एज अ रिवॉर्ड। नानू काका ने किसे 2 rupees का नोट एक तोहफा के रूप में दिया? तो ये धोबी को दिया था। कब दिया? जब देखो धोबी वहां पे दौड़ते दौड़ते हाँपते हाँपते धोबी बेचारा पहुंच गया। धोबी को ऐसा लोभ दिया कि धोबी तू आएगा ना मेरे पास वहां पे, तू लेते लेते मैं तुम्हें 500 का नोट दूंगा। अब बेचारा धोबी भी दौड़ता पहुंच गया वहां पे, लेकिन जैसे पहुंचा धोबी को उन्होंने 2 rupees का नोट दिया। धोबी बेचारा बहुत गुस्से से, वो भी लाल हो गया, बेसरम नहीं, शरम में से लाल हो गया कि मैंने इतना दौड़ते भागते धूप में मैं आया और मुझे 2 rupees का नोट दिया। बेचारा करता भी क्या, फिर वापस घर चला गया, कुछ नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, अ पिंच ऑफ स्नफ इज इन फैक्ट अ डिटेल्ड कैरेक्टर स्केच ऑफ। अ पिंच ऑफ स्नफ जो है वास्तव में किस, कौन से प्राणी का, किसका जो है पूरे चरित्र का चित्रण किया गया है? वह और कोई नहीं बनते हैं मनोहर
और नानू काका का यहाँ पे चित्रण किया गया, राइट आंसर होगा यहाँ पे, एक मिनट फिर से आप देख लेना, यहाँ पे राइट आंसर बनेगा नानू काका, मतलब पिंच ऑफ स्नफ में जो है ना नानू काका का जो है पूरी तरह से उनके चरित्र का चित्रण किया गया। अच्छा एक और चीज़ ध्यान रखेंगे, मनोहर मलगांवकर जी का जो जन्म जो होता है वह 1913 में होता है, इस चीज़ को भी आप ध्यान रखेंगे, मैंने शायद ये क्वेश्चन डिस्कशन नहीं किया। मनोहर हैड टेकन डैश डेजली, मनोहर कितने दिनों की छुट्टी लिया था, तो 2 दिनों के लिए। नानू काका कितने दिनों के लिए ठहरने वाले थे, तो 2 से कितने दिनों के लिए मुझे आप बताओगे, 2 से 3 दिनों के लिए ना, मैंने आपको पहले भी बताया ये चीज़ ध्यान में रखना, 2 से 3 दिनों, इसीलिए 2 और 3 डेज इसका राइट आंसर बनेगा कि नानू काका उतने दिनों के लिए ठहरने को थे और मनोहर ने छुट्टी लिया था 2 दिनों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, रतिराम वाज द सन ऑफ, रतिराम किसका बेटा रहता है, तो रतिराम जो बेटा रहता है वह रहता है सोहनलाल रतिराम का, और सोहनलाल रतिराम क्या रहता है, तो सोहनलाल रतिराम जो रहता है वह दिल्ली का पार्टी बॉस रहता है, ये भी चीज को आप रिकॉल करते रहेंगे। नेक्स्ट 37, मनोहर मलगांवकर इज ए वेल नोन, मनोहर मलगांवकर एक बहुत ही प्रचलित क्या थे, वह एक बहुत बड़े उपन्यासकार थे और शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, इसलिए राइट ऑप्शन मेरा बोथ 1 एंड 2 ऑप्शन नंबर डी बनेगा। नानू काका लुक्ड लाइक, नानू काका किसकी तरह दिखते थे, तो नानू काका एक डैकेनी ब्राह्मण या जमींदार जिसे कहे वो इसकी तरह वह दिखा करते थे, इसीलिए इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, अ पिंच ऑफ स्नफ हैज बीन टेकन फ्रॉम, अ पिंच ऑफ स्नफ कहां से ली गई है, तो ये याद रखेंगे कंटेंपरेरी इंडियन शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश, इस जगह से अ पिंच ऑफ स्नफ को ली गई है। क्वेश्चन नंबर 40, हु सेज या अनाउंसेस अबाउट नानू काकास कमिंग, कौन ऐसा कहता है कि नानू काका आ रहे हैं, तो वो और कोई नहीं नैरेटर की मम्मी सुबह सुबह कहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, नानू काका वाज द नैरेटर्स, नानू काका लेखक के कौन थे, तो लेखक के मामा जी थे, इट मींस मैटरनल अंकल। क्वेश्चन नंबर 42, नानू काका रॉट हिज नेम एंड द एड्रेस ऑफ द डैश, नानू काका अपना नाम लिखते कहाँ पे, जब वो मंत्री जी के घर पे पहुँचते हैं तो नानू काका क्या करते हैं, कहते हैं अरे मुझे विजिटर्स बुक दो, जो एंट्री करते हैं ना कि कौन आए कौन नहीं आए, उन वो वाला बुक दो, और उस पर उन्होंने क्या किया, उस पर अपना नाम लिखा और किसका पता दिया, अपने महाराष्ट्र का नहीं दिया, दिल्ली में, और दिल्ली में कौन था, तो दिल्ली में लेखक रहते थे, उनका उन्होंने पता वहाँ पे एड्रेस दे दिया। द नैरेटर वॉज द डैश ऑन प्रोबेशन, लेखक इट मीन्स मनोहर मलगांवकर किसकी ट्रेनिंग पे थे, तो वह अंडर सेक्रेटरी की ट्रेनिंग कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, हु वॉज मेड अ ड्राइवर इन जोधपुरी कोट एंड ऑरेंज टर्बन, किसने बनाया, किसने, हु वॉज मेड, किसे बनाया गया, यहाँ पे देखना किसे बनाया गया ड्राइवर किस में, जोधपुरी कोट और नारंगी कलर की टर्बन में, तो वह और कोई नहीं लेखक को बनाया गया, मनोहर मलगांवकर को बनाया गया। द नरेटर वॉज ऑन 2 डेज लीव एंड वेंट डैश टू द स्टेशन, लेखक जो है वह 2 दिनों की छुट्टी पे थे और वह स्टेशन गए अपने मामा जी को लाने के लिए, कैसे, अनविलिंगली, ना चाहते हुए भी, उनका मन नहीं था लाना, लेकिन मम्मी की बार बार भाई थे आखिर, तो उनको तो लाना पड़ेगा ही और जाना पड़ गया। आई होप गाइज आपको पूरा समझ आया होगा, थैंक यू गाइज वॉचिंग फॉर दिस वीडियो, और जो भी दोस्तों इस चैनल पे नए हैं वह इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लो, क्योंकि आपको आगे आने वाले वीडियो का हर एक नोटिफिकेशन ताकि मिलता रहे। मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में।